नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में भी हलचल कहीं न कहीं तेज हुई है। जी हां, पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है कल शाम को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान कर दिया कि आने वाले वक्त के अंदर जो है पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे। जी हाँ, अगर मैं उधमपुर सीट की बात करूं तो उधमपुर सीट से बहुत सारे चेहरों ने जो है इस बार एमपी इलेक्शन में हिस्से लेने जा रहे हैं। वहीं अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो वो पिछले दो दहाइयों से लगातार डॉक्टर जितेंद्र सिंह को यहां से कैंडिडेट बना रहे हैं। वहीं अगर हम इंडियन अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस की जानिब से भी शायद यहां से लाल सिंह चौधरी को जो है कैंडिडेट बनाया जाएगा। और उसके साथ साथ खबरों में यह भी सामने निकल के आ रही है कि जो डीडीसी कारा मेराजिन मलिक है वो भी इस इलेक्शन के अंदर अपना हिस्सा लेंगे। वहीं अगर मैं दूसरे किश्तवाड़ छात्रों की बात कर रहा हूं तो सामने ये बातें भी निकल के आ रही है कि यहां से भी जो है ओम प्रकाश ठाकुर, इससे पहले आपने उसको काफी जगह पर जो है सोशल मीडिया में देखा है और पिछली बार जो है वो सरपंच भी रह चुके हैं और उनका भी कहना है कि वो भी इस बार इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने जा रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश ठाकुर है, जिसका यह भी कहना है कि आने वाले वक्त के अंदर जो इलेक्शन होगा उसके अंदर ये भी उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो से जो है हिस्सा ले लेंगे। तो बताइए कि आप जो है आपको इलेक्शन एमपी का लड़ना पड़े। पहले मैं सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, बोल्ड वाइज का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो हमारे तहसील छात्रों की छोटी बड़ी खबर को आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। क्योंकि ये खबर जो है एमपी साहब जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र साहब थे पिछले 10 साल से हमारे एरिया में हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में उधमपुर के एरिया में जीत के जा रहे हैं, उन्होंने जो है वो मसले हल नहीं किया, जिसकी बदौलत आप ये मसले छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल इस बार हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन के अंदर। इस बार हमने भी सोचा, क्योंकि हमारे स्कूलों की खस्ता हालत है, हमारे अस्पतालों की खस्ता हालत है, हमारे लोग रो रहे हैं, हमारे तहसील छात्रों के अंदर एमपी साहब ने अभी तक एमपी लेड से एक भी बाथरूम नहीं, एक बाथरूम तक नहीं बनाया। आप जो है आगे क्या सोच सकते हैं, इसलिए हमने भी जो है सोचा कि हम भी इसमें जानना चाहूंगा आपसे। एक बाथरूम से जो है वो इलाके की डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर मैं खास करके डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ तहसील छात्रों की दूर दराज इलाकों की बात करूं तो यहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो एमपी साहब को काम करने चाहिए थे लोगों के लिए, उन्होंने वो भी नहीं किए। क्योंकि हमारे यहाँ अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात ली जाए तो आसमान छू रही हमारे डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप यहाँ अस्पतालों की हालात देखिए, स्कूलों की हालात देखिए, हमारे गरीब आवाम जो है नरेगा के लिए रो रहे हैं। ये चीजें जो है एक एमपी साहब ने जो है अपने लोगों को जो है उनकी ख्यालात को देखना चाहिए था, क्योंकि 10 साल से वो सेंटर में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो है अपनी जिंदगी जो है ऐश असरत से गुजारी है। उनको ये पता नहीं है कि गरीब आवाम जो है अपनी जिंदगी जो है ग्रोथ लेवल पे किस तरह बसर करती है। जानना चाहूंगा इस बार जनाब जी एम सुरेश साहब भी यहाँ से जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, एमपी इलेक्शन वो भी लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि ओम प्रकाश जो है वो डीएपी पार्टी से जो है ताल्लुक रखते हैं। अगर सुरेश साहब इलेक्शन में उतर रहे हैं तो ओम प्रकाश को क्या जरूरत पड़ी कि वो भी कूद पड़े। अपने इंदरवाल के साथ जो है हमदर्दी है, हमें अपने इंदरवाल के साथ देखना है। आपने देखा कि पिछले 10 साल से हम तो टोटली खिलाफ जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ उठे हैं। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, आज भी कहूंगा, आने वाले समय में भी कहूंगा, क्योंकि अगर 10 साल किसी एमपी को मिलता है उसको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर छोटे छोटे जितने भी मसले होते हैं उनको हल करने की कोशिश है। अब बड़े बाकी भी जो है उठे हैं एमपी सीट के लिए, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उठे सारे, लेकिन हमें जो है हराने का काम डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कराना है। लोगों का यह भी कहना है कि 15-18 साल जो है जनाब जी एम सुरेश साहब ने यहां इंद्रवाल से वो एमएलए रहे, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर वो मिनिस्टर के पद पर भी रहे, और लोगों का कहीं ना कहीं ये भी इल्जाम लगाना कि उन लोगों ने भी जो है इंद्रवाल के अंदर कोई काम नहीं किया। देखिए आप ये मानते हैं, देखिए उस टाइम उन्होंने क्या किया वो हमें नहीं पता। आज जो है डिजिटलाइज है, आज जो है हर काम जो है दिखता है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है हमारे एरियाज में जो है उन्होंने स्कूल उस टाइम खोले हुए हैं, उन्होंने हॉस्पिटल खोले हुए थे, लेकिन जब अभी बिल्डिंगें बनाए गए वहां पर स्टाफ नहीं, अभी जो है उनकी सरकार कम टाइम रही थी, हम ये नहीं उसके पक्ष में नहीं कह रहे,
उनकी सरकार कम टाइम रही। जब अभी 10 साल से हमारे एमपी साहब उदयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रहे, अगर कहीं घर एग्जांपल की बात है, एक पेरेंट्स जो है अपने बच्चे के लिए घर बनाता है, उस घर को संभालना जो है उस बच्चे का फर्ज बनता है। अगर अभी 10 साल से हमारे एमपी साहब रहे, अगर हमारे एरियाज में अस्पताल बने थे तो उन अस्पतालों की हालात को सुधारने का काम उन्होंने करना था। अगर एक एमपी को 20 करोड़ की फंड्स आती है तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं 20 करोड़ आपने लगाए तो लगाए कहां? गिरिराज ओम प्रकाश क्या मुद्दा लेकर जो है लोगों के अंदर उतरेंगे? देखिए हमारा मुद्दा यही रहेगा कि हमें पहले एजुकेशन सिस्टम को दूर करना, खत्म करना कि एजुकेशन मसला जो है उसमें आपने देखे स्कूलों की हालत, देखिए हमारे बच्चों में बैठने की जगह नहीं है, स्टाफ नहीं है स्कूलों में। पहले हम इन्हीं चीजों को देखेंगे, उसके बाद अस्पतालों की हालात ठीक करेंगे, पहले बाद में अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर देखा जाएगा, क्योंकि हमारे गरीब जो है दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। यहाँ से जो है लोगों का कोई मसला हल नहीं होता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने 10 से 30 अपने एजेंट रखे हुए हैं, उन एजेंटों से ये जो है पार्टी नहीं चलने वाली है। मैं आपको आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि मेहरबानी करके आपने जो 10 साल गुजारे आप लोगों को जो है माफ करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में लोगों का नुकसान ना करें। भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि इस पार्टी ने पूरे मुल्क के साथ साथ अगर हम इंद्रवाल की बात करें तो इंद्रवाल के अंदर भी बहुत ज्यादा काम किया। देखिए सर आप भी इधर के ही रहने वाले, हम भी इधर के, एक मैं आपके माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूं, वो एक काम अपने एमपी साहब का दिखाएं, हम जो है सारे लोग उनके साथ जुड़े जाएंगे। आप पहले यहां देखिए हमारे पंचायत चिंगाम, 3 पंचायतें चिंगाम एरिया में, एसएससी सेंटर के हालात देखिए, आप हाई स्कूल के हालात देखिए, आप बखूबी जानते हैं पिछले 10 साल या 11 साल से आप उनकी न्यूज जो है हाई स्कूल की चलाते रहे, आप स्कूल के हालात को देखिए, छात्रों में इतना बड़ा अस्पताल है, उन एम्पेलियर फंड से उन्होंने 10 रुपए का खर्चा वहां पे नहीं किया। आप इन्हीं चीजों को देखिए तो फिर दावे, हम भी तो झूठे दावे करेंगे सोशल मीडिया पे लेके, क्योंकि 30 बंदों को लेके कोई जो है डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर हम 30 बंदों को पैसा देके उनसे जो है लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे वो हम होने नहीं देंगे। इसके लिए हम भी जो है मैदान में उठे, हम भी देखेंगे कि क्या होता है। हार जीत जो ऊपर वाले के हाथ में है, जितना तो है, चाहे 500 वोट है या 5000 वोट है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों अपने लोगों की नुमाइंदगी करते रहेंगे। क्या लगता है ओम प्रकाश सरपंच जो है बन पाएंगे उदयपुर सीट? देखिए कोशिश करेंगे हम, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हम लगे रहेंगे। एक थर्नडाइक्स की एक थ्योरी थी, व्हेन वी बिगन टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग देयर मे बी मेनी मिस्टेक बट एज द नंबर ऑफ ट्रायल गोज ऑन देयर द एरर गोज ऑन डिक्रीजिंग। एक थर्नडाइक्स की थ्योरी थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ट्रायल एंड एरर। क्लियर है कि ओम प्रकाश सरपंच इस बार एमपी इलेक्शन के अंदर हिस्सा जरूर लेंगे? बिल्कुल, इस बार हमने जो है, क्योंकि हम लोगों को सताया गया है, मैं आपको बताऊं हम लोगों को नहीं पूरे आवाम को सताया गया है। मुझे आप बताइए अगर मोदी जी जो है डेवलपमेंट के नाम से ऊपर से फंड से रिलीज करती है, हमारे एमपी साहब को 20 करोड़ की फंड्स मिलती है, आप हमारे इंद्रवाल के अंदर एक काम दिखाइए कि उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जो हमारे लोगों को फायदा मिला हो। आप ये कहते हैं कि मोदी जी अगर सेंटर से कोई स्कीम करते तो वो मोदी जी के नाम से जो है वो वोट लेते हैं लोगों से। अभी देखिए उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उन्होंने 30 से 40 एजेंट रखे हुए हैं और हमारे इंद्रवाल में भी 10 से 15 एजेंट रखे हैं जिनको वो खर्चा देते हैं और वो देखे लोग तो वो मोदी जी को देते हैं, लेकिन अब जो है एक सीट से मोदी जी को कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। मैं इस आपके माध्यम से जितने भी आपके दर्शक देखने वाले हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके इस साल बदलाव लाए ताकि आप भी अपने बच्चों का फ्यूचर देखे, अपने अस्पतालों की हालात को देखे, अपनी गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट को देखे, ताकि आप भी इस बार चेंज करें, मेहरबानी रहेगी। क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर के अंदर 5 पार्लियामेंट सीटें हैं, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार यह दावा कर रही है कि हम 5 के 5 को जीतेंगे? देखिए जैसे आप हम अपने मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, मेरे को तो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पता है, बाकी जम्मू कश्मीर के अंदर जो 5 सीटें हो सकता है उन्होंने काम किया हो वो लोग खुद बताएंगे मीडिया पे आके, लोग खुद उनको चलाएंगे अगर उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन मैं अपने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं, हमारे अंदर हमारे यहां जो एमपी साहब ने उसने टोटली कोई काम नहीं किया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अभी हमारे भी जो है फोन कॉल सारे, कभी कोई दबाने की बात कर रहा है, अभी कोई ये बोल रहा है वो बोल रहा है, हम किसी से डरने वाले नहीं, हम करप्शन फ्री है, जिसको जो मर्जी करे, जो मर्जी जिसको जितना एजेंसी लगानी लगाए, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो साफ शफाफ काम किया लोगों का जितना हमसे हो सका। लेकिन जो एमपी का काम करना था, लोगों की भलाई के लिए काम करना, उन्होंने जो है सिर्फ ऐश पसरत की। जैसे आप देख रहे हैं बाहर, जैसे हमारे एमपी साहब बाहर यूनिवर्सिटी का इनोग्रेशन करते हैं, अस्पतालों का करते हैं, मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेहरबानी करके जो आपने वहां बाहर मुल्कों में बाहर
स्टेट में, रियासत में किया, स्टेट्स में किया, और मेहरबानी करके आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी एक अस्पताल खोले, एक बड़े स्कूलों की जो है तब्दीली की। आप देखिए हायर सेकेंडरी छात्रों की बात लिए, जिससे आपने 10 से 15 बार आपने रिपोर्ट किया, उस हायर सेकेंडरी के हालात को अगर देखे तो हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। हमारे स्कूलों के हालात को देखे तो ये जो है एक टोटली जो है हमारा एमपी साहब टोटली फेल रहा। उन्होंने सिर्फ अपना घर बनाने का काम किया और अपने एजेंटों का घर बनाने का काम किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो जानना चाह रहे थे, हम बात कर रहे थे ओम प्रकाश से, क्योंकि ये भी जो आने वाला वक्त में जो एमपी इलेक्शन यहाँ मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी हो रहा है, और खास करके पार्लियामेंट सीट की मैं बात करूंगा, पार्लियामेंट सीट में भारतीय जनता पार्टी की जानी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जो है नॉमिनेट दिया गया है। और उसके साथ साथ अगर हम इंडियन अलायंस की बात करें तो इंडियन अलायंस में भी सुनने में आ रहा है कि जो लाल सिंह चौधरी है उसको यहाँ से नॉमिनेट दिया है, और उसके साथ साथ जो डीएपी है यहाँ डीएपी भी यहाँ से जनाब जयंत सुरुड़ी साहब को जो है वो भी मैदान में इस बार हो सके। उसके साथ साथ जो डीडीसी कहरा मेहराज मलिक उसका भी सुनने में आ रहा है कि वो भी इस बार अपनी किस्मत आजमाने जा रहे थे, और हम ओम प्रकाश सरपंच से बात कर रहे थे, उसका ये भी कहना था कि हम भी इस बार जो है इस मैदान में उतरेंगे, हम भी आजमाएंगे कि देखेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है हम डेवलपमेंट को लेकर के बात करेंगे। कि इसका ये भी साफ कहना था कि पिछले 10 सालों से लगातार यहां से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हमने 2 बार जिताया, और उसके बावजूद भी हमारे इंद्रवाल और खास करके सभी जन छात्रों की बात करूं तो सभी जन छात्रों के अंदर कोई एक काम नहीं किया। नाजरी बोर्ड देखने और सुनने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगील।